वसुंधरा को मनाने के लिए मोदी ने बनाया बड़ा प्लान। राजे को मोदी देने वाले हैं सबसे बड़ा ऑफर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में बीजेपी घुटनों पर आ गई है। एक साथ इतनी सीटें गंवाने वाली भजनलाल सरकार का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद अब आलाकमान को ये समझ आ गया है कि राजस्थान में सिक्का किसका चलता है और दिग्गजों को साइड करना कैसे मोदी को महंगा पड़ गया है। अब जब बीजेपी की अकल ठिकाने आ गई है तो मोदी राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे को मनाने में लग गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, राजस्थान के 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी तो वो घमंड में आ गई थी। इस चक्कर में राजस्थान के दिग्गज राजे को पूरी तरह से साइड कर दिया गया था, उन्हें सीएम तक नहीं बनाया गया। ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है तो अब एक बार फिर राजे की याद आई है। वसुंधरा को मनाने में जुटे मोदी। अब वसुंधरा के तेवर के बारे में तो हर कोई जानता है, ऐसे में कहा जा रहा है कि राजे को मनाने में खुद मोदी लग गए। बीजेपी राजस्थान को एक बार खड़ा करने के लिए मोदी एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। प्लान राजे को मनाने के लिए। राजे को मोदी बड़ा ऑफर दे सकते हैं, उनके और उनके बेटे को। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजे को मनाने के लिए मोदी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें वसुंधरा के बेटे की तो झालावाड़ बारा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और राजे के बेटे दुष्यंत राजे ने दुष्यंत सिंह ने बंपर जीत हासिल की है। और ये पहली बार नहीं है, दुष्यंत सिंह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की खराब हालत के बीच एक बार फिर जब दुष्यंत ने जीत हासिल की तो बीजेपी को उनकी वैल्यू समझ आई है। ऐसे में खबर है कि राजे के बेटे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी ये फैसला वसुंधरा को मनाने के लिए भी ले सकते हैं, उनका एक प्लान हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्य भाजपा अध्यक्ष का प्रदर्शन जांच के दायरे में है। भाजपा को झटका लगा है, हम जो सीटें बचाने में कामयाब रहे हैं वो ओबीसी वोट बैंक की वजह से हुआ है। राज्य के नेताओं में जनता और पार्टी सदस्यों के साथ जुड़ाव की कमी स्पष्ट रूप से सामने आई है। इसके साथ ही इस नेता ने यह भी संकेत दिए है कि वसुंधरा राजे को जल्द ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके लिए चर्चा शुरू हो गई है। खबरें तो ये भी है कि भजन लाल शर्मा को हटाकर राजे को सीएम बनाया जा सकता है। कुछ इस तरह से वसुंधरा राजे को मनाने में मोदी जुट गए हैं दो बड़े प्लान के साथ। सबसे पहले उनके बेटे दुष्यंत सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और दूसरा वसुंधरा राजे को खुद राजस्थान में जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या सच में मोदी मनाने में राजे को कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के बाद राहुल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था
कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ।